देखिए सर, जो आपने वीडियो बना के भेजा था उसकी मैं वीडियो आपको बना के भेज रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ये मशीन के साथ एल टाइप की अलंकी निकली होगी, उस अलंकी से आप ये पेंच ढीले कर लेना। पहले तो ये स्पेस मशीन में कर लेना, जिससे जब मशीन नीचे के ये लिफ्ट जाए मशीन तुरंत बंद कर देना, तो आपको सुई बदलने के लिए स्पेस मिल जाएगा और ये जो सेटिंग करनी है उसकी जगह मिल जाएगी इस सेटिंग को करने के लिए। जैसे एक चीज़ आप बता रहे थे कि लूज, ये सब हर मशीन में रहता है, इतना ये ऊपर नीचे होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इधर भी आप देखेंगे हो रहा है, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन होता सब में ये, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जो आपकी थी ये यहाँ पे मुझे लग रहा टच हो रही थी लकड़ी वाली में, तो इसलिए ये चीज़ ढीली हो रही थी बार बार। तो इसको प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये जो अलंकी से आप ये दो पेंच ढीले कर लेना, और इन पेंच को ढीला करने के बाद ये जो पीतल वाला पार्ट से इसको ज़रा सा ऊपर करके और कस देना। जैसे ये जितना गैप दिख रहा है अभी इसमें जगह है ऊपर बढ़ाने के लिए, तो इस चीज़ को पीले वाले पार्ट्स को ऊपर करके कस देंगे तो इसमें और लकड़ी की डाई में गैप हो जाएगा। गैप आप देख रहे हैं, इसमें भी गैप है इसमें भी गैप है, आपकी मशीन में उतना गैप नहीं है। तो अगर गैप नहीं है तो ये चीज़ इसमें टकराती रहती है और ये खुल जाता है। दूसरा चीज़ ये देख लेना कि एक कई बार ढीला होता है, तो अगर ढीला है तो वैसे भी खुलेगा। तो इसको कसने के लिए आपको दो प्लास जरूरत पड़ेंगे, ऊपर वाले प्लास से ये दाब लेना और नीचे वाले से इसको कस देना बढ़िया से, तो बढ़िया सुई कस जाएगी, तो ये सुई बार बार निकलेगी नहीं और बत्ती जो है जब बन के ये गिरती है, तो अगर सुई ढीली होगी तो कई बार सुई निकल जाती है, तो टाइट होगा तो ये सुई नहीं निकलेगी, सुई अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। ये काम कर लीजिए तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।